What's up, gamers? This is TDG, aka the Demon Guy, and you are watching the Demon Series. आज हम जिस गेम की शुरुआत करने वाले हैं, उसका नाम है Close to the Sun. ये एक हॉरर गेम है, which takes place somewhat in 20th century. इस गेम के जो डेवलपर्स हैं, वो है Storm in a Teacup. मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा अजीब नाम है, but it's Storm in a Teacup. और इस गेम के जो पब्लिशर्स हैं वो हैं वायर्ड प्रोडक्शंस. उम्मीद है ये गेम आपको पसंद आएगा. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट द एंटरटेनमेंट बिगिन. न्यू गेम स्टार्ट कर दिया हमने. ये एक हॉरर गेम है तो मुझे डरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए. The Department of Security monitors all personnel aboard the Helios to protect it from sabotage. There is circumstantial evidence that गायब हो गया. Prologue: The Brilliance of Ada. Ada शायद हमारी protagonist होगी. My dear sister, I left you suddenly and without warning. For that and so much more to come, I apologize. I didn't board the Helios knowing what would happen, only that pursuing my research could change the world. And we did! Just not in the way I'd imagined. Not yet, anyway. I want to explain everything now, so that you'd see that there is nothing to fear. You've always tried to protect me, my big sister, but this was meant to be. It's now my turn to protect you, if only so that things unfold the way they are meant to. Time and necessity has kept us apart, but that is about to change. We need you here, aboard the Helios, with me. I've enclosed a receiver, and as the name implies, it can receive signals through which we will communicate. I know little of this will make any sense right now, but I also know that you will keep your promise. I love you. Your sister, Ada. Pretty light on details there, Ada. You leave without warning, and now need me aboard the Helios? What aren't you telling me? तो शायद हम गलत थे. एडा प्रोटैगनिस्ट नहीं है, प्रोटैगनिस्ट है रोज. एडा तो हमारी बहन है. तो अब हमें ये बहुत ही अच्छा वाला कमरा छोड़ना पड़ेगा, जहाँ पे बहुत ही अच्छे वाले जूते भी रखे हुए हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब आपके पर्सनल रूम में डाल दिया जाएगा. ये तो हम किसी समंदर में है. मुझे लगा था कि ये शायद किसी स्पेसशिप में होंगे. ये तो समंदर में है. भाई साहब, वॉश बेसिन देखिए, लग रहा है सब सोने का बना. क्या हम इसे देख सकते हैं? लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा. कहीं इसके कंट्रोल्स में तो कुछ दिक्कत नहीं है? यहां तो कीबोर्ड का ऑप्शन ही नहीं है. यहाँ तो बस गेम पैड है. इन्वर्ट एक्सेस, गामा गेम पैड प्रीसेट, कंट्रोलर वाइब्रेशन, गेम पैड सेंसिटिविटी, माउस सेंसिटिविटी, कैमरा शेक. यहाँ तो कुछ और है ही नहीं. गेम पैड प्रीसेट में भी सब गायब ही है. ए से देखिए इंटरेक्शन हो रहा है, तो शायद ये चीज अप्लाई की जा सकती है. लेकिन अगर ए से इंटरैक्ट हो जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी. या कीबोर्ड का ऑप्शन ही नहीं है, देखते हैं क्या होता है. हेलो
I'm sorry आपको वेट करना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। बिना कीबोर्ड कंट्रोल्स के खेलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। एक तो इन्होंने पता नहीं कीबोर्ड मैपिंग क्यों नहीं दे रखी है। यूज एन इंटरैक्ट एक्स जंप एक्स वगैरह तो ये इसके अकॉर्डिंग है। हम तो अपने इससे भी कीबोर्ड ए एक्स इस्तेमाल करके नहीं कर सकते, ऑफकोर्स नहीं कर सकते। प्रीसेट फोर, पहले ये वाला प्रीसेट लगा हुआ था लेकिन इससे भी कहां कुछ हो रहा था। गेम पैड कंट्रोलर वाइब्रेशन, गेम पैड सेंसिटिविटी, माउस सेंसिटिविटी, कैमरा शेक, इन्वर्ट अप एक्सेस, ऑडियो ग्राफिक्स, कहीं कुछ ऑप्शन नहीं है। क्या किया जाए? कमा इन्वर्ट अप एक्सेस, ऑप्शंस, मेन मेन्यू, लगता है अलग अलग कीज दबा के मुझे देखना पड़ेगा। सॉरी थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें कीबोर्ड मैपिंग दी नहीं गई है इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। पर कोई बात नहीं, जल्द ही हम कामयाब होंगे। तो कोई भी की इसमें काम नहीं कर रही है, पता नहीं इसे खोलना कैसे है। अच्छा, माउस क्लिक से खोलना है इसे, ये लेफ्ट माउस क्लिक से खुलेगा और इंटरेक्शन भी लेफ्ट माउस क्लिक से ही होगा। क्या बात है। द हीलियोस असल में एक शिप का नाम है और हम ये सोचते थे कि ये एक स्पेसशिप का नाम है, मगर ये सिर्फ एक शिप का नाम है। For safety reasons, we ask that you enter the observation cabin located atop the shuttle docking. Once all passengers are secured, thank you. ये बीच में इसकी आवाज बहुत अजीब सी हो गई थी ना? In these automated announcements. हाँ, इनकी आवाज बहुत अजीब सी हो गई थी बीच में। कुछ ऐसा लगता है शायद कुछ वायरस वगैरह कुछ आ गया है। British Navy in pursuit of the Helios. Helios set sail for the open ocean. ये Helios वगैरह में कुछ कांड वांड हो रहा था क्या? Navy इनके पीछे पड़ी हुई थी। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ओ, बाहर तो पूरा बारिश बारिश है, पर अब हमें जाना कहाँ पर है? वहीं जाना है क्या? यहां से तुम बाहर निकले थे। ये किसका कमरा है? लॉक्ड है, सर्विस रूम है। चलो यहां जा सकते हैं। ओ, बाहर आ गए, हम लोग बाहर आ चुके हैं, लेकिन बाहर तो कुछ है ही नहीं। भाई साहब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ है क्या है। तूफान तो नहीं आया है? हल्का तूफान है। यहां से जा सकते हैं। अरे तो हम अंदर जाते ही जा रहे हैं। ये तो हम लोग वही आ गए, हम लोग वही आ गए जहां से हम निकले थे बाहर। वापस जाके सीढ़ियां चढ़नी होंगी। ये सीढ़ियां बकायदा बेंच बनाई हुई है। ये हीलियोस में कोई है नहीं क्या? मतलब जहां हम खड़े वो हीलियोस ही है ना, और हीलियोस में कोई है नहीं। हमारी बहन हम बुला के भाग गई। ओ भाई साहब, कैबिन में आ गए, कैप्टन्स कैबिन।
अब क्या होगा? डॉकिंग प्रोसीजर शुरू कर दिया हम लोगों ने, देखते हैं क्या होता है। ओ टाइटल इंट्रोडक्शन, स्टॉर्म इन अ टीकप, डेवलपर्स। कहां पे डॉक कर दिया शिप को? टेक्निकल डिजाइनर, गेम डिजाइनर, बड़े अजीब नाम है लोग। ये हीलियोस है क्या जो ऊपर बड़ा सा है? ये तो नहीं है, ये हो भी सकता है। ओ भाई साहब क्या है ये, तो बड़ा सा गेट खुल रहा है। एंड्रिया रेमिनी, म्यूजिक एंड एसएफएक्स, प्रोजेक्ट मैनेजर रॉबर्टो सेम्प्रेवी। पूरी दुनियादारी दिखा दी। ओ भाई, क्लोज टू द सन हमारा टाइटल इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब गेम भी बढ़ाओ भाई। मेरे ख्याल से क्लोज टू द सन नाम इसलिए रखा होगा क्योंकि हमें अभी तक सन नहीं दिखाया, हमें मून ही दिखा है, और सन देखने के लिए शायद हम लोग इस गेम में बहुत ज्यादा परेशान है। हम सन देखने के लिए तरस रहे हैं। चैप्टर वन स्टार्ट हो गया, प्रोलॉग कंप्लीट हो गया है। ब्रिलियंस ऑफ एडा प्रोलॉग कंप्लीट हो चुका है, पता नहीं एडा ने क्या काम किया जिसकी वजह से ब्रिलियंस ऑफ एडा नाम था। द बॉर्डर ऑफ हर्मीस स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वन। हमने हीलियोस को डॉक कर लिया है, अब कहां जाते हैं देखते हैं। ये सब कैप्टन का केबिन तो बहुत अच्छा बना है, ये पूरी पूरी शिप ही बहुत खूबसूरती से बनाई गई है। कहां पर आ गए हम लोग भाई, इधर इतने सारे गियर्स वगैरह है, पूरा बकायदा फिजिक्स बना दिया इन्होंने। I thought the great Helios would be more busy. अच्छा यही हीलियोस है। I guess Ada didn't tell anyone I was coming. नहीं बताया होगा क्योंकि कोई है नहीं इधर, और यही हीलियोस है शायद। मोस्ट प्रोबेबली हमारी शिप तो हेलियोस के लाने लायक ही नहीं, यही हेलियोस होगा। लाइटें किसने जली हुई छोड़ दी भैया? हमारे लिए जली हुई छोड़ी है क्या? ओ भाई किसकी आवाज है, कोई गाय भैंस है क्या इधर? आवाज तो गाय भैंस जैसी ही है एकदम। ये किसी का वेलकम वेलकम हो रहा था क्या भैया? एकदम चादर वादर बिछी बढ़िया एकदम, या कोई एग्जीबिशन लगा था इधर, या कोई चल के आ रहा था बकायदा? चल के आ रहा होगा देखने के लिए जो ये दिखाना चाह रही है। वेलकम टू अबॉर्ड द हीलियोस, यू आर नाउ वॉकिंग विद इन द लार्जेस्ट शिप एवर बिल्ट। हीलियोस एक शिप ही है और वो लार्जेस्ट शिप है भाई साहब, इतनी बड़ी शिप है। अब हम उस साइड कैसे जाएंगे? सही बोला रोज ने, देखते हैं आसपास। सीम्स लाइक आई विल हैव टू लेट मायसेल्फ इन। The ship rat, active spy, isolated, eliminate. ये spy था यहाँ पर, जिसको most probably मारी दिया होगा इन लोगों ने। गाने वाने बजने लगे भाई, चलो। ओ, light खराब। Largest ship बना ली, light नहीं सही करा सकते।
गेट थोड़ा सा खुला है, कुछ ना कुछ कांड हुआ है इधर। हमें बुलाया गया है कांड दिखाने के लिए। A company distributing electricity to half of the world and yet still hungers for that other half. ओ भाई, बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लगती है। ओ ये क्या है भाई? Quarantine. Quarantine? What have you got yourself into, Ada? Great. किसी बहुत भयंकर मुसीबत में फंस गई है एडा, और उसने इसी के लिए हमको बुलाया है, मानो या ना मानो। अपना काम करने के लिए नहीं भैया, अपनी मुसीबत से निकालने के लिए बुलाया है। पहले तो बहन की याद नहीं आई, अब फट रही है। कोई बात नहीं, हॉरर गेम से डर नहीं लगता, हम बचा लेंगे अपनी बहन को। इस गेम में कीबोर्ड मैपिंग ऐसी है कि हर काम माउस क्लिक से हो रहा है, चाहे सीढ़ियां चढ़ना हो, चाहे इंटरेक्शन हो, चाहे कूदना हो। कूदना, सीढ़ियां चढ़ना सब इंटरेक्शन में ही आ गया बेसिकली, तो सही है। ज्वाइन हिम, यू टू कैन चेंज द वर्ल्ड, ज्वाइन मिस्टर टेस्ला अबाउट द हीलियोस टुडे। टेस्ला, क्या ये निकोलस टेस्ला है? क्या मैं सही हूं? Elevator up ahead. Disable the two security overrides to reactivate the elevator. Elevator को हमें activate करना पड़ेगा और security override को disable करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए। Security override. चलो भाई, to disable it. देखते हैं क्या किया जा सकता है। Locked. अंधेरा कितना है देखो, किसी भी हॉरर गेम की सबसे पहली कड़ी होती है अंधेरा, दूसरी कड़ी होती है उसकी आवाजें, फिर बाद में सारी चीजें। This is Nikola Tesla speaking, and unless it wasn't already obvious, मैं सही था, it's Nikola Tesla. There is to be no movement on board of the Helios. And yet, here you are, another one of Edison's spies, I think. No matter. Edison? Movement throughout. क्या ये थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बात कर रहा है, जिसने लाइट का इन्वेंशन सो कॉल नहीं किया हुआ था? जी, थैंक्स फॉर द वार्म वेलकम। नाउ व्हाट हैव यू डन विद माय सिस्टर? ये हमको समझ नहीं, स्पाई, इसका ये मतलब है कि शायद निकोला टेस्ला ने हमारी बहन को उड़ा लिया है। निकोला टेस्ला तो बहुत अच्छा आदमी था यार, क्या कर दिया उसने? लूज लिप्स कुड सिंक आवर शिप। ओ इतने तो स्पाइज हैं, ये स्पाई है ना, ये इनकमिंग थ्रेट है भाई। सिक्योरिटी ओवरराइड कैसे डिसेबल, यहां से करना है क्या? ओके, One more एक हो गया, एक सिक्योरिटी ओवरराइड डिसेबल हो चुका है, और यहां से हम नहीं जा सकते हैं वहां पे, जो कुछ भी है उससे हम नहीं देख सकते, और यहां पर तो हम देख ही सकते हैं। लॉक्ड है, जब लॉक्ड है तो ऑप्शन ही क्यों दिया है खोलने का, जब गायब हो गया। उधर क्या है, उधर क्या है? ऐसा पूरा एकदम गोल्ड की कोटिंग करी गई है, जैसे शिप नहीं है, सोने की खान बना दी हो। नेम डेविड बिशप, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, अकंपनीड माइनर, पता नहीं क्या है। डेविड कौन है भैया?
ये शिप टेस्ला ने डिजाइन करी है मोस्ट प्रोबेबली, और इसमें बहुत ही भयंकर हथियार लगे हुए हैं जिससे सबकी फट रही है। ओ चलो भाई दूसरा सिक्योरिटी सिस्टम ओवरराइड करते, बहुत घूम लिए। दूसरा वाला ओवरराइड करने के लिए उधर होगा ना, एक हो गया है। इधर तो जा ही नहीं सकते हैं, तो क्या किया जाए अब? हेलो, एनीवन देयर? कोई आवाजें? मैंने कहा था ना, अंधेरा और आवाजें ही हॉरर गेम की बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। एंड लॉक्ड डोर्स टू। ये एलिवेटर का तो काम तमाम हो चुका है। अच्छा यहां से अब हम जा सकते हैं अंदर, हम यहां से अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये भी लॉक्ड है। प्राइवेट ऑफिस है ये। दूसरा वाला सिस्टम कैसे ओवरराइड किया जाए? ये भी लॉक्ड है, स्टोरेज रूम है ये। ओ एकदम से तो लाइटें फटती हैं इधर, यहां पे पढ़ाई लिखाई हो रही थी पूरी, अभी तक ये घूम रहा है ऊपर वाला। ये कहां से किया? अच्छा ये इसके अंदर ही है जो है, और इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं। ये देखो सिक्योरिटी ओवरराइड वहां से करना है, लेकिन अंदर कैसे जाएं? कोई कोड है क्या? कोई कोड नहीं है यार, अंदर तो जा ही नहीं सकते हम। ये क्या है? हर जगह इन्हीं की फोटो लगी है। जॉइन हेम, जॉइन निकोला टेस्ला। बी लॉक्ड है यार, हर जगह तो लॉक है यार, कहीं जा ही नहीं सकते हम लोग, तो कहां से करेंगे? वो वाला भी मेन पूरा लॉक्ड है, ये भी लॉक्ड है, बताओ। आउट ऑफ ऑर्डर है ये, क्या है ये? जेंटलमैन का रेस्ट रूम, अब जेंट्स लेडीज रूम में रेस्ट करेंगे। वाह, वो भाई यहां तो काउंटर है, इसके अंदर कोई होता तो बोल देते भाई खोल दो, लेकिन खोल क्या, खुद ही ओवरराइड कर दे, पर नहीं हो पा रहा है ओवरराइड। यहां से भी अंदर नहीं जा सकते हैं, शीशा वीशा भी नहीं टूटा है कुछ कुछ कर सकें। यहां से क्या कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है।
ये वाला सिक्योरिटी सिस्टम कैसे ओवरराइड करें? ये वाला हो चुका है, बड़ी परेशानी हो रही है। पता नहीं क्या है ये, सब कुछ गोल्ड प्लेटेड है। इतनी अमीरी भाई साहब, इतनी अमीरी। एक जूंग ह्वैन का पासपोर्ट है, पता नहीं कौन है ये जूंग ह्वैन। यहाँ टाइपराइटर रखा हुआ है, गोल्ड वोल्ड लगा रखा है, लेकिन टाइपराइटर लगाएंगे और टाइपराइटर भी गोल्ड प्लेटेड, क्या बात। अरे इसके अंदर कैसे जाऊं मैं? यहां से तो नहीं जा सकते हैं। जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, लॉक्ड है। यहां से भी लॉक्ड है, अंदर से भी लॉक्ड है। कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। इसे बंद करने से भी ये नहीं खुल रहा है, इसे ही खोलना पड़ेगा। इस तरफ से भी कुछ काम नहीं बन पा रहा है, पता नहीं अब किधर जाएं। ये क्या है? अरे तो वही है यार, सारा टाइम इसी में जाएगा क्या, घूमने घामने में? इतने सारे तो दरवाजे हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा दरवाजा चेक कर चो कौन सा नहीं। काश इसमें कुछ होता यार, कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है, कहीं कुछ जा नहीं सकते, क्या करें क्या ना करें। आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, सारा टाइम कहीं इसी में चला जाए। इतना सारा सामान किसका पड़ा हुआ है यार? सामान वामान छोड़ के निकल लिए सब, सामान हमें दे गए। पत्थर वत्थर भी नहीं मार सकते हैं यार। ये वाला हो गया था आराम से, वो वाला खुल गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वाले को बंद करना पड़ेगा? ओ ये क्या हो गया, ये तो खराब हो गया। क्या वो चालू हो गया क्या? अभी भी बंद पड़ा हुआ है। अभी भी वो बंद ही पड़ा हुआ है, बंद ही है वो। तो ऐसी ऐसी आवाजें, आ कोई नहीं रहा है, बस आवाजें हैं, कोई नहीं आ रहा। ओ भाई साहब, अचानक से हुआ, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। यार ये वाला तो खुल गया था बड़े आराम से, पता नहीं, ये वाला सिक्योरिटी सिस्टम तो हमने बड़े आराम से डिसेबल कर दिया था। दोनों ऊपर हैं यहां पर,
और हमें तो इसके साथ भी छेड़खानी नहीं करनी पड़ी इधर, लेकिन उधर इसके साथ छेड़खानी करने का ऑप्शन है, तो कहीं इसी से तो नहीं खुलेगा? ये दोनों ऊपर है वैसे, क्या पता उसमें भी ऐसा कुछ हो जिसमें भी दोनों ऊपर करना पड़े। ओ यस, हमने एक काम कर दिया, दोनों ऊपर कर दिए और सिक्योरिटी सिस्टम ओवरराइड बस होने ही वाला है। सस्पेक्टेड स्लीपर एजेंट, इतने सारे एजेंट, इतने सारे स्पाइज हैं इस शिप में। हे, दैट शुड डू इट। नाउ टू फाइंड एडा। भैया इंडियन थी क्या? ओ हाँ, बॉम्बे में पैदा हुई, अनन्या पटेल भी है इस गेम में, लैब टेक्नीशियन थी अनन्या पटेल, 28 मई 1855। ओ भाई साहब, ये तो बहुत पहले की बात है, तब तो टाइपराइटर ही होगा ऑफ कोर्स। चलो भैया सब कुछ हो गया है, अब एलिवेटर पे चलते हैं और एडा को ढूंढते हैं जिसने हमें बुलाया है इस कांड के लिए। ये क्या है? अ वॉन्ड की कार्ड यूज्ड फॉर हीलियोस एंट्रेंस एलिवेटर। ओ अच्छा, की कार्ड है, की कार्ड लगा लिया है। व्हाट द हेल, हे, ये कौन है? हे शिट, लगता है वो भी अंदर आना चाह रहा था हमारे साथ, या फिर हमारा कांड करने वाला था। जो भी हो, अब हम जा चुके हैं और हम बच गए। चैप्टर टू, द फायर ऑफ प्रोमिथियस। किसी ग्रीक कल्चर का गेम है क्या? प्रोमिथियस लिखा है, इसके पहले भी ग्रीक वर्ड था। ओ ये हम कहां आ गए? एक्सप्लोर द हीलियोस टू फाइंड एडा, यू आर हियर। ओ भाई साहब, ये हीलियोस है कि क्या है भाई? ये एवेंजर्स का टावर लग रहा है, इतना ऑटोमेटेड। यू आर हियर, यहां पे देखो कितनी सारी चीजें हैं भाई, इधर फुटबॉल पिच भी है, इधर ये देखिए 19 नंबर पे इधर फुटबॉल पिच भी रखी हुई है, इधर 55 नंबर पे क्लब्स भी हैं, इधर मैगजीन वगैरह, पॉइंट लाइब्रेरी। ओ भाई साहब, यहाँ आराम का पूरा मामला है भाई, पूरा मामला है। निकोला टेस्ला ने बहुत ही भौकाल काम किया था। वार्डन क्लिफ, वार्डन क्लिफ कंपनी का कुछ होगा। This is lead researcher Archer calling any survivors on this frequency. Is anyone out there? What the? I repeat, this is lead researcher Archer calling for any survivors on this frequency. Is anyone? Ada. Rose? Ada. Holy shit, Rose! Ada. What the hell are you doing here? Wait, what? Ada, you told me to come. I've got your letter right here. That doesn't make any sense. I didn't write you any letter, Rose. But never mind. There's been an accident or sabotage. It doesn't matter. We need to get off this ship. That's what the quarantine is about? Ada, what the hell is going on? Rose, listen very carefully. We really need to leave. It's spreading all. Avazari. Ada! Come on. Maybe I can get a better signal. कौन यहाँ बैठता था भैया जो घंटी बुला के सबको बचाता था, सबको बुलाता था? टेस्ला ही बैठते होंगे इधर, और कौन बैठेगा? भाई साहब, इतने बड़े बड़े फिजिसिस्ट साइंटिस्ट की फोटो लगी हुई है। ये है हीलियोस का प्रोटोटाइप,
देख लीजिए अपने सामने द लार्जेस्ट शिप एवर बिल्ट द हीलियोस और ये निकोला टेस्ला काम करते हुए दिखाए जा रहे हैं प्रोजेक्टर लगा हुआ है ये क्या है? What sort of nut job builds a museum to themselves in their own house? अरे ये तो वही है निकोला टेस्ला पूरा गोल्ड का है या गोल्ड प्लेटेड है गोल्ड का ही होगा यार इतना अमीर बंदा था एक्सरे मशीन टेस्ला टावर पूरा पूरा म्यूजियम बना रखा है सही कहा रोज ने पूरा पूरा म्यूजियम बना रखा है Creepy ship full of scientists in the middle of the ocean. What could possibly go wrong? Oh, bhai saab. Ye chidiya kahan se aayi bhai? Oh. What the? Flashback? Ye flashback hai? यहाँ पे भी जादू हो रहा है जादूपंती हो रही है हेलो सबने मास्क पहना है मास्क पार्टी है एक मास्क बॉल पार्टी लगता है यहाँ पे वही सारे साइंटिस्ट हैं जिनकी फोटो लगी हुई है इन्हीं में से कोई एक निकोला टेस्ला भी होगा ओ ये तो आत्माएं हैं भाई द हेल वाज दैट Rose? Are you there? Can you hear me? Yeah, I can hear you, but what the hell am I doing here? If you didn't write the letter, who did? It's in your handwriting and everything. This is gonna sound weird, but it might have been me. Not present me, but future me. I know how crazy that sounds, but I promise I can explain everything. Let's rendezvous in my apartment. From there, we'll escape together, okay? Escape from what exactly? It's not safe here, Rose. It's spreading throughout the ship. खून पड़ा है इधर. Everything when we meet up in my apartment. You need to grab a Faraday key card from the check-in desk there in the main hall. They're kept in a wall-mounted safe. The combination should be written down somewhere nearby. The key card will automatically take the elevator to the right district. Did you get all that? Yeah. Open safe. Get key card. Use elevator. Meet in your apartment. I got it. Great. I won't be able to reach you on the radio for a bit, so just get there and stay safe, okay? Fine. But when you get there, I'm expecting some answers. Deal? Deal. Oh, and sis? Even if I can't explain why or how you got here, really am grateful that you're here. See you soon. See you soon, sis. मास्क मिल गया हमें की कार्ड ढूंढना है भाई की कार्ड ढूंढना है हमें उसने बोला है की कार्ड किसी डेस्क पे रखा है इन द मेन हॉल मैथमेटिशियन एलमेरा सेंगर नाउ पार्ट ऑफ द वार्डन क्लिफ कॉर्पोरेशन दुनिया भर के साइंटिस्ट इधर भरे पड़े और तब भी कांड हो गए अरे यार न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना की कार्ड ढूंढो की कार्ड मास्क पड़े हैं बस की कार्ड नहीं है ये पता नहीं क्या है ये चिड़िया घूम रही है इधर खून ऊन पड़ा है भैया कोई ना कोई कांड हो गया है ये सेफ मिल गया है Now to get it open. Safe मिल गया इसका combination भी आसपास ही है हमारी बहन ने बोला था 142 इसका कोड है ऊपर से डालना है कि नीचे से 1 4 ओ एक सेकेंड ये भी उसी को कंट्रोल कर रहा है
ये तो पूरे को कंट्रोल कर रहा है भाई. वन, ओ भाई साहब. अच्छा अब ये तीनों कंट्रोल हो रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब चीज है. 142 है ना कोड. एक सेकेंड रुक जाओ, अभी तो साय नंबर सेम है. इधर लगा दो तुम वन, ऐसी जगह वन लगाओ कि जहां फोर के साथ वन ही आए. उल्टा हो गया. सेम नंबर नहीं ला सकते. हाँ सही, 142. ओके 142 तो नहीं आ रहा है. पूरा पूरा क्यों हट रहा है भैया. अच्छा इसके साथ मैच करना है. अरे सुई के साथ मैच करना है क्या. 142, एक बार फिर से कोड देख लेते हैं यार. 142 ही था ना. हाँ 142 ही था. क्या लिखा है इसमें. वन फोर टू. वन फोर टू. ओ बस खुल गया. नहीं अभी नहीं, अब खुलेगा. नहीं खुला. नहीं खुला है. गलत तरीके से डाल रहा हूं मैं. वन, अरे एक सेकेंड, बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है. वन फोर टू टू. उल्टा डालें क्या. फोर टू वन. फोर, ओ खुल गया अपने आप भाई. चलो अच्छी बात है. हमें की का अ की कार्ड फॉर द एलिवेटर. हमें की कार्ड भी मिल चुका है. अपने आप खुल गया वो तो भाई. ओ अच्छी बात है, अच्छी बात है. पता नहीं कौन सी खिड़की खुली रह गई. चिड़िया बिड़िया आ गई सब उड़ते हुए. बैठने बैठने का पूरा इंतजाम है भाई एलिवेटर में. देख रहे हो. Hope this works. अच्छा रोज बड़ी बहन है. हम बड़ी बहन है मतलब. एडा हमारी छोटी बहन है और एक ब्रिलियंट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है. भौकाल. द होम ऑफ हेस्टिया. इसके चैप्टर छोटे छोटे हैं. प्रोलॉग भी खत्म, चैप्टर वन भी खत्म, चैप्टर टू भी खत्म. अब चैप्टर थ्री स्टार्ट हुआ है. तो आज के लिए बस इतना ही. हम इस गेम का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं. अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए. इस वीडियो को इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज TDG एंड यू आर वॉचिंग द डीमन सीरीज. साइनिंग ऑफ.